हेलो गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में BSOS 185 क्या है, दृश्यों के माध्यम से समाज, इसका चैप्टर नंबर 5 कह सकते हो या आपका रहेगा यूनिट नंबर 5 क्या है, एक शोध उपकरण के रूप में फोटोग्राफी। और इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, इम्पोर्टेंट क्या क्या रहता है, जैसे इसमें क्या रहेगा आपका फोटोग्राफी और आधुनिकता, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। ठीक है, कैमरा और अनुसंधान में इसकी भूमिका क्या है, नृवंश विज्ञान अध्ययन और फोटोग्राफी क्या है, ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मेन तो यही है, फोटोग्राफी और आधुनिकता इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हो कि कैमरा क्षेत्र और फील्ड को क्या होता है, कैमरा और क्षेत्र और फील्ड किस प्रकार से इनमें क्या चीज़ होती है। एक शोध उपकरण के रूप में जो फोटोग्राफी का उपयोग है, इसके लाभ क्या हैं, कि जब भैया कि हम कोई शोध करते हैं, जब कोई रिसर्च करते हैं, तो उसमें जो फोटोग्राफी है उसका लाभ हम कैसे ले सकते हैं, वह कैसे किस प्रकार से सहायक हो सकती है, उसको देखेंगे। फोटोग्राफी की चुनौतियां और सीमाएं, ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को आज इसमें देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगा, चैप्टर नंबर जो 5 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, आ भी सकता है, इसलिए आप इसको ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, फोटोग्राफी और आधुनिकता को देखते हैं। क्या फोटोग्राफी आधुनिकता, देखो फोटोग्राफी का जन्म एक संकट युग में हुआ, यानी कि भैया जो फोटोग्राफी की शुरुआत हुई थी तो का जन्म क्या, संकटमय युग में हुआ। यह आधुनिकता का वाहक है और उसे आकार देने वाला था। 1920 और 1930 के दशक के दौरान बेंजामिन ने फोटोग्राफी की शक्ति और संचार में सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक रूप में इसकी स्थिति को विस्तार में लिखा। फोटो आई के रहस्य उद्घाटन के रूप में देखा जा सकता है, जो तथ्यों को दिन में उजले में खींच कर लाता है। यानी जो फोटोग्राफी क्या होती भैया, जो दिन के क्या कहते हैं, दिन के उजाले में किसी चीज़ को खींचा जाता है। इसके साथ ही फोटोग्राफी की दृष्टि के विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने में आई नई परिप्रेक्ष्य को भी प्रस्तुत करता है। आधुनिक तकनीक के माध्यम से इस दुनिया को देखने में मदद मिली है, जिसे पहले कभी भी नहीं देखा जा सका। इसके अलावा फोटोग्राफी ने व्यक्ति के वहाँ होने के अपने अनुभव को भी मान्य किया है, जो केवल एक अपरिचित जगह पर जानने का नहीं, बल्कि एक अजीब जगह के प्रमाणिक अनुभव को भी अधिग्रहण यानी कैप्चर करता है। यानी कह रहे हैं कि जो फोटोग्राफी है कि अजनबी जगह कहाँ के भी प्रमाणिक चीज़ों को क्या करता है भैया, यह कैप्चर कर लेता, कौन कर लेता है, फोटोग्राफी कर लेती है। ठीक है, तस्वीरें रिकॉर्ड और दस्तावेज हैं, यानी जो तस्वीरें होती हैं एक प्रकार से रिकॉर्ड हो जाती हैं और दस्तावेज बन जाती हैं, जो बदलती हुई दुनिया का सावधानी पूर्वक विवरण देने के लिए। यानी कहते हैं जो फोटो होते हैं, जो दस्तावेज बन जाती हैं, वह आज जो बदलती हुई दुनिया है उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में फोटोग्राफी और फिल्म कह सकते हैं, संबंध में अगर देखोगे तो फोटोग्राफी और जो फिल्म है दोनों का रहस्य उद्घाटन के रूप में देखने के लिए किया गया। यानी कह सकते हैं कि फोटोग्राफी जो फिल्म होती है उसके जरिए हम कई सारे रहस्यों का जान सकते हैं। यानी आज अगर हमें समाज को समझना है तो फिल्मों के माध्यम से, फोटोग्राफी के माध्यम से समाज के कई सारे रहस्यों को आसानी से जाना जा सकता है। इसके अलावा 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों के दौरान अगर देखो, जब से 20वीं शताब्दी में मुद्रा संचार यानी जब से प्रिंट मीडिया के फलने फूलने से, जब से प्रिंट मीडिया आया है, यानी जब से अखबार और लिखी हुआ माध्यम आया है, तब से जो फोटोग्राफी बहुत प्रभावी हो गई। देखो जब से अखबार का महत्व बढ़ा, जब से किताबें, जब से प्रिंट छपने लगा, तब से जो फोटोग्राफी थी उसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि अखबारों में देखते हो फोटो बहुत ज्यादा आती है, किताबों में जो फोटो, इनका महत्व क्या हुआ, बहुत ज्यादा बढ़ा। इसने वाल्टर बेंजामिन को फोटोग्राफी के एक लोकतांत्रिक माध्यम के रूप में अवधारणा के लिए प्रेरित किया। तर्क साध्य के रूप में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, ठीक है, मुद्रित पृष्ठ में जो कुछ हो रहा था उसे कल्पना को उच्चेद कर दिया। यानी कह सकते हैं मुद्रित पृष्ठ में जो कुछ लिखा जा रहा था उस कल्पना के रूप में उसको फोटो में लाया गया। मोटर और फोटोग्राफिक यानी जो फोटोग्राफिक होते हैं, पत्रिकाओं ने छवियों का संयोजन करके दृश्य कहानी कहने के तरीकों के साथ प्रयोग नहीं कह सकते हैं। धीरे धीरे क्या होता कि जैसे जो कह सकते हैं कि जो पत्रिकाएं छपती थी, जो न्यूज़पेपर छपते थे, उनमें धीरे धीरे कह सकते कि फ़ोटो के माध्यम से कई सारी कहानियों को, कई सारी चीज़ों का कह सकते हो कि उसको दिखाया, यानी संयोजन यानी छवि के साथ साथ कहानी को। देखो आज जो मैगजीन आती धीरे जिसे जो मैगजीन थी, जो पत्रिकाएं थी, जो अखबार थे, उनमें क्या होता था कि किसी भी कहानी को समझाने के लिए, किसी
बात को समझाने के लिए हम कह सकते हैं कि फोटो का महत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा। यानी आज कह सकते हैं धीरे धीरे समाज में क्या भैया जो फोटोग्राफी थी वह किसी भी परिस्थिति को समझने के लिए कह सकते हैं कि अखबार न्यूज़पेपर में इनका फोटो का बहुत ज़्यादा प्रयोग धीरे धीरे बढ़ने लग गया। ठीक है, फोटोग्राफिक रिकॉर्ड में महत्वपूर्ण तत्व में से यह है कि कैमरे की दृष्टि की निष्पक्ष प्रक्रिया के कारण भले ही संपादित किया गया फिर भी उसमें अमौखिक रूप से पर्याप्त होते हैं। यानी कहते हैं कि जो फोटोग्राफिक है उसमें जो चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं उसमें जो कैमरा होता है वह निष्पक्षता कैसे, यानी कहते हैं जो फोटो होती है वह हर चीज़ को दिखा ही देती है। यानी फोटो जो होती है, जो इमेजेज होती हैं, जो फोटो होते हैं, जो दृश्य होते हैं, उनसे भैया कोई भी बात छुपती नहीं है या किसी चीज को छुपाया नहीं जा सकता। यानी अमल इंसान अगर शोध करता है कोई चीज़ को देखता है तो उसमें क्या पता किसी चीज़ को हम लोग मिस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फोटो है, फोटो के माध्यम से अगर हम किसी चीज को जानना चाहते हैं तो क्या निष्पक्ष होती है, फोटो क्या होती है, निष्पक्ष है। या अपने दर्शकों को योजनाबद्ध वास्तविकता का पुनर्निर्माण कराने तथा उन अवधारणा को बनाने की अनुमति, यानी इसमें जो दर्शक होते हैं उनको वास्तविकता बताने में क्या बहुत ज़्यादा मददगार होती है तथा उनकी अवधारणा को बनाने की अनुमति देता है। जिन्होंने अपनी सामाजिक सोच को नाटकीय रूप में बदल दिया, यानी जिन लोगों ने अपनी सामाजिक सोच को एक समाज को नहीं समझ पा रहे हैं या समाज को बहुत हल्के में लेते हैं वो लोग क्या दृश्य के माध्यम से, फोटो के माध्यम से समाज को अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए अब्राहम लिंकन द्वारा कमीशन किए गए मैथुड ब्रैडी ने दस्तावेजी रिकॉर्ड युद्ध की पहली फोटोग्राफी छवियों में से एक था। ब्रैडी ने युद्ध के प्रभावों को दर्ज किया जिसमें से गिरे हुए शवों के रिकॉर्ड, इमारत से जले हुए मलबे आदि शामिल थे, जिसने केवल नाटकीय क्रियाओं के स्थान पर युद्ध को यथार्थवादी तस्वीर प्रस्तुत की। इसी तरह समाजशास्त्री लुइस हेडन ने अमेरिका जीवन में संस्कृतियों से पहले यूरोपीय लोगों के मूल रूप से प्रवेश को दर्ज किया। उसी समय उनकी खींची बच्चों की छवियां पहले बाल श्रमिकों को प्रसारित करने के लिए बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध हुई। यानी कह सकते हैं जो फोटो हैं वो आने वाले समय भैया क्या है कि किसी भी युद्ध की परिस्थिति, किसी भी चीज़ को समझने के लिए जब फोटो है वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, धीरे धीरे जो फोटो का महत्व है वह धीरे धीरे समाज में बढ़ता चला। यानी फोटोग्राफी और आधुनिकता क्या, उसके आधार पर इन यही बातों को आपको लिखना पड़ेगा। समाजशास्त्र और फोटोग्राफी में समानताएँ क्या हैं, समाजशास्त्र यानी समाज को अगर समझना है तो उसमें क्या है भाई मेरे, फोटो बहुत ही ज़्यादा क्या करती है आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। क्या है समाजशास्त्र और फोटोग्राफी में समानताएँ क्या, इसमें कह सकते हैं फोटोग्राफी और समाजशास्त्र का जन्म तिथि लगभग समान है। यदि आप समाजशास्त्र के जन्म को कामटे की सिद्धांत के प्रकाशन के रूप में मानते हैं जिसने समाजशास्त्र का जन्म दिया है और फोटोग्राफी की जन्म तिथि 1839 की तिथि में रूप में दर्ज है, जो इसे डिगुरे ने धातु की प्लेट पर एक तस्वीर को ठीक करने के लिए एक विधि को सार्वजनिक किया था। प्रारंभ से ही दोनों कई तरह की परियोजना ने प्रोडक्ट्स पर काम किया, परियोजनाओं के लिए समाज की खोज की। रोम की शुरुआत में फोटोग्राफी का उपयोग समाज के जानने के लिए किया जाता था। फोटोग्राफरों ने इस अपने कार्यों को एक रूप दिया। सबसे पहले कुछ फोटोग्राफरों ने दूर दराज के समाजों को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरे का इस्तेमाल किया जो कि उनके समकालीन कभी नहीं देख पाए, और स्वयं के समाज के पहलुओं को रिकॉर्ड करने के लिए बाद में। यानी कह रहे यहाँ पर बताया जा रहा है कि कह सकते हैं भैया जो समाज साथ है, जो फोटोग्राफी है उनमें बहुत सारी समानता है कि फोटो के माध्यम से ही हम क्या सकते हैं समाज को हम ज़्यादा समझ पा रहे हैं। अब ये मान लो कि अगर आप सोसाइटी पर रिसर्च कर रहे हो, समाज पर अगर आप किसी प्रकार की भी रिसर्च कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो उसमें फोटो का प्रयोग कर सकते हो ना, फोटो का प्रयोग करके हम समाज को ज़्यादा बेहतर से समझ सकते हैं। कई बार जो हमारी निगाहों से कई सारी चीज़ें होती है बच जाती हैं, हम उनको देख नहीं पाते, लेकिन जो कैमरा होता कैमरे की निगाह से कोई भी चीज़ बचती नहीं है। कई सारी ऐसी चीज़ें होती, कई सारी ऐसी सच्चाई होती जो लोग बोलते नहीं या लोग जो लोग कहते नहीं, उनको भी हम क्या कर सकते हैं फोटो के माध्यम से हम उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं भाई मेरे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है। कैमरा और अनुसंधान में इनकी भूमिका, जो कैमरा होता है, जो फोटो होती है, इनकी रिसर्च में या अनुसंधान में इनकी भूमिका किस प्रकार है उसको देखते हैं। जैसा कि किसी वस्तु की अभिग्रहण करने की कैमरे की क्षमता काफ़ी हद तक उसके ऑपरेटर पर निर्भर करती है, यानी किसी कैमरे किसी वस्तु को जो अभिग्रहण करने की जो क्षमता है उसका जो कैमरे का जो ऑपरेटर पर निर्भर करती है। हालांकि कैमरा शोध में एक बेहतरीन उपकरण कह सकते हैं कि अगर कहीं पर किसी चीज़ का अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो कैमरा आपके लिए बहुत ही बेहतरीन उपकरण साबित हो सकता है। रिकॉर्डिंग के लिए कैमरे का उपयोग करने के कई फायदे हैं, यानी किसी चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए हम कैमरे का यूज कर सकते हैं और इसके क्या हैं कई सारे फायदे भी हैं।
क्या फायदे हैं। यह उपकरण मशीन को बिना किसी थके देखने की सुविधा देता है, यानी क्या होता है, यह उपकरण के जरिए हम किसी भी चीज़ को लंबे समय तक बिना थके देखने की सुविधा, यानी भैया कैमरे के जरिए, इन चीज़ों के जरिए जो कैमरे होते हैं इनके जरिए हम किसी भी चीज़ का लंबे समय तक उसको देख सकते हैं या उसका निरीक्षण। अब मान लो कि आपको किसी चीज़ की निगरानी करनी, तो आप कब तक निगरानी कर सकते हो, ज़्यादा लंबे समय तक आप बैठ करके किसी चीज़ की निगरानी नहीं कर पाओगे ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो वहीं पर बताया जा रहा है कि जो कैमरा होता है वह किसी चीज़ की लंबे समय तक निगरानी कर सकता है, देखने की सुविधा देता है। अंतिम एक्सपोजर यानी तस्वीर पहले, यानी इसमें क्या होता है, तस्वीर पहले आती है, यानी इसकी तस्वीरें खींची है वह विस्तृत हो सकती है, यानी कह सकता है कि अगर हमें अनुसंधान कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें कैमरा जो है उसकी भूमिका है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिल्म मेमोरी नोटबुक की जगह लेती है, यानी फिल्म की जो मेमोरी होती है एक प्रकार की, वह क्या होती है, नोटबुक की जगह ले सकती है। सबसे कठिन परिस्थितियों में भी इसका उदाहरण के लिए हम सुनिश्चित करते हैं। कैमरे का विश्वसनीय रूप से पुनरावर्ती संचालन किसी भी घटना के तुलनीय अवलोकन, नहीं कह सकते हैं कि जो कैमरा होता है किसी भी घटना का ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है, उसकी तुलना या कंपैरिजन करना संभव है कैमरे से। यांत्रिक क्षेत्र में अगर हम अवलोकन कर रहे हैं, अगर मशीनी क्षेत्र में अवलोकन किया जा रहा है, तो महत्वपूर्ण विश्लेषण की संभावना को बढ़ाता है, क्योंकि कैमरे रिकॉर्ड दृश्य का अवलोकन करने के लिए एक नियंत्रण कारक के रूप में योगदान देता है। या भीड़ भाड़ वाले बल्कि बदलते सांस्कृतिक कार्यक्रमों की स्थिति तथा, नहीं कि अगर कोई भीड़ भाड़ का इलाका है, अगर कहीं कर आप सभ्यता संस्कृति को समझ नहीं पा रहे, लेकिन जो कैमरा होगा उन चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेगा और बाद में उन चीज़ों को आप बेहतर ढंग से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी जिन कहते हैं कि भीड़ भाड़ इलाके वाले में हमारी नज़र हर जगह पर नहीं जाती है, लेकिन अगर कैमरा होगा तो उसकी जगह तो भैया हर जगह जा रही है। कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है तो वहाँ पर भी हमारी स्थिति पहचान या कह सकते हैं वहाँ की चीज़ों को जानने के लिए या सभी चीज़ों पर निगरानी रखने के लिए जो कैमरा है वह चीज़ों को रख भी सकता है। हालांकि फोटोग्राफी की तुलना में फोटोग्राफी की तुलना में फील्ड वर्कर की लिखित नोटबुक से की जा सकती है। इसके साथ ही नोटबुक से सादृश्य विशेषताएं भी होती हैं। एक फील्ड वर्कर के विपरीत जो साक्षात कोर्ट की फील्ड की जानकारी को नोट करता है, फोटोग्राफी द्वारा एकत्र की जाने वाली जानकारी भी, कहते हैं जो फील्ड वर्क हम जाकर के लोगों से पूछ करके जान करके जो लिख करके लेकर आते हैं उससे क्या है भैया फोटोग्राफी ज़्यादा आसान है। यह फोटोग्राफी एकत्र करने वाली जानकारियाँ क्या होती है, ये बहुत खास होती है, विशिष्ट होती हैं, वह भौतिक वास्तविकताओं के सटीक निकाय, ये कहते हैं कि जो फोटो होती हैं, जो चित्र होते हैं, वह किसी भी चीज़ के बारे में, जो भौतिक चीज़ है उसके बारे में सटीक जानकारी देती हैं। क्या देती हैं, सटीक जानकारी। इसके अलावा फोटोग्राफर ऐसे दस्तावेज होते हैं जिन्हें फाइल किया जा सकता है, यानी फाइल में कर सकते हैं या क्रॉस फाइल कर सकते हैं, बड़ा किया जा सकता है, कम नहीं कह सकते हैं कि जो फोटो होती है उसे समझने के लिए छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, आड़ा टेढ़ा करके हर एंगल से हम उस चीज़ को देख सकते हैं। कई आरक हैं तथा संख्याकी की डिजाइन में फिट कर सकते हैं, यानी किसी भी संख्या में किसी चीज़ में फिट। दृश्य डायरी के रूप में तस्वीरों की धारणा शोधकर्ताओं के माध्यम से गुणों को शोध करने की प्रक्रिया में क्या पुनः करते हैं, अर्थात एक डायरी शोधकर्ता के प्रवेश की भागीदारी तथा स्थान के प्रस्थान के एक आत्मचिंतन तथा मीडिया साक्षार के इतिवृत्त यानी होती है। इस प्रतिमान के भीतर उन छवियों को विशिष्ट समय में स्थान के लिए सटीक माध्यम में उपयोग, नहीं कह रहे हैं कि जो फोटो होती हैं, जो फोटो हैं वह हमारे क्या भैया जो रिसर्च होता है, जो शोध होता है वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी जब आप कोई रिसर्च करते हैं, अगर आप कोई शोध करते हैं, तो उसमें जो आपकी फ़ोटो है, जो इमेजेज हैं, वो आपको किस प्रकार से मदद कर सकती हैं, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर बताया गया। अगला जो हमारा रहेगा, नृवंश विज्ञान अध्ययन और फोटोग्राफी क्या होती है, इसको देखते हैं। नृवंश और विज्ञान और अध्ययन में फोटोग्राफी देखें। कैमरे के विभिन्न लाभों ने इसे शुरुआती नृवंश विज्ञानों के लिए बीच वंछनीय, नहीं कह सकते हैं कि जो अगर जो कैमरे के बहुत सारे लाभ हैं, इसी लाभ के कारण जो नृवंश विज्ञानी थे, जो लोग समाज का अध्ययन करना चाहते थे या जो समाजशास्त्री थे, उनके बीच जो कैमरा है या जो फोटोग्राफी है वह बहुत महत्वपूर्ण बन गई है। इसने नृविज्ञान के सामग्री सूचीकरण में वर्णात्मक विवरण को एकत्रित करने में मदद करता है। यानी जो फोटो होती है अगर आप कोई वर्णात्मक विवरण कर रहे हैं तो आपकी जो फोटो होगी उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका। हालांकि इससे जुड़ी एक बड़ी चुनौती भी है, संपूर्ण और सटीक मानव अवलोकन, नहीं कह सकते एक बड़ी चुनौती कि संपूर्ण का और सटीक मानव अवलोकन कैसे करें, अवलोकन की मुद्रा। इस चुनौती का सामना नृविज्ञानियों के साथ साथ समाजशास्त्रियों द्वारा भी और अधिक किया जाता है। अजनबियों को वास्तविक रूप में देखना व्यक्तिगत मूल्य पूर्वाग्रह अवलोकन की जांच के साथ आता है।
सामाजिक वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं कि फोटोग्राफिक रिकॉर्ड के इस पूर्वाग्रह के बारे में बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है, जैसे कि समाज के अवलोकन में पूर्वाग्रह या शोध की, यानी कह सकते हैं कि जो फोटो होती है वह किसी व्यक्ति के पूर्वाग्रह है, उसके माइंड में क्या, उसके दिमाग में क्या है, उसका उसको नहीं हम जान सकते हैं, जैसे कि समाज का अवलोकन में कई पूर्वाग्रह या शोध की घटनाएं। इसी प्रकार से आधुनिक मानव विज्ञानी प्रारंभिक नृवंश विज्ञानियों के विपरीत तस्वीरों को कड़ाई से चित्रण के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि फोटोग्राफिक विवरण एक अभिभार नियंत्रण के लिए विश्लेषण के हस्तक्षेप करेगा। इसी प्रकार मानव विज्ञान में बहुत कम शोध हैं, अगर देखोगे मानव विज्ञान में बहुत कम शोध हैं जो फोटोग्राफिक डाटा पर क्या करते हैं, आधारित होते हैं। इसे जोड़ने के लिए मानव विज्ञानी ने दृष्टि के मूल में हेर फेर पर विजय पाने के लिए एक कैमरे के यांत्रिक पर भरोसा नहीं किया है। इसी प्रकार भौतिक नृविज्ञान और पुरातत्व के क्षेत्र में सही शोध रिकॉर्ड बनाने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में इसको स्थापित किया गया है। मनोविज्ञानियों के अनुसार जब तक फील्ड वर्कर यह नहीं जानता कि क्या खींचना है, कब और कितनी बार खींचना है, क्यों नृविज्ञान कैमरे का उपयोग करने का कोई कार्यात्मक तरीका नहीं देखें, यानी कहते हैं कि अगर आप शोध करने जाते हैं, अगर आप रिसर्च करने जाते हैं, तो आपको कब खींचना, कितना खींचना, कैसे खींचना है, किस एंगल से खींचना है, ये सारी जाते भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सूचनात्मक डिजिटल के साथ नृविज्ञानी में पहले से ही गैर स्वायत्त स्वदेशी लोगों के बारे में एक स्थापित विश्वास प्रणाली मौजूद है। फोटोग्राफिक कल्पना देशी लोगों की संवेदनशीलता को प्रकट कर सकती है, जो शास्त्रीय नृवंश विज्ञानी गतियों विधियों के को चुनौती देते हैं। यानी कह सकते हैं कि फोटोग्राफी जो है उसमें क्या है, यहाँ पर जैसे आपका शुरू में क्या बताया था, नृवंश विज्ञान में क्या जो फोटोग्राफी है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ठीक है, अगला जो देखेंगे इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है उन्हीं क्षेत्रों को देखेंगे। कैमरा क्षेत्र और फील्ड क्या है इसको देख लेते हैं। देखो ठीक है, अनुसंधान में फोटोग्राफिक डाटा का उपयोग की चुनौतियों के बारे में चर्चा की है। ऐसे भी तरीके हैं जिनमें कैमरा और अन्वेषण और विश्लेषण करने के लिए एक मूल्यांकन उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो इस तरह के फोटोग्राफी का उपयोग ना केवल यह दिखाने के लिए किया जाता है कि अन्य माध्यमों से पहले किस तरह दिखाया जा चुका है, बल्कि लोगों के दृश्य प्रक्रिया का विस्तार, लोगों की प्रक्रिया के विस्तार को समझने में, मानवता की प्रकृति तथा बहु संस्कृतियां जो कल्चर है उसके बारे में अधिक जानने के लिए क्या करता है, फोटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। नहीं कह सकते हैं कि समाज को जानने के लिए, समाज को समझने के लिए, संस्कृति को समझने के लिए, या जो शोध करता उससे कई बार कई सारी चीज़ें रह जाती हैं, छूट जाती हैं, उनको भी ना छोड़ा जाए। ठीक है, यह क्या करता है, फोटोग्राफी इन सभी के उपयोग में मदद करता है। फोटोग्राफी के व्यवहारिक स्थान तथा कार्य क्षेत्र क्या, फोटोग्राफी के व्यवहारिक स्थान तथा कार्य क्षेत्र फील्ड वर्क में कैमरे का उपयोग को इसके प्रकारों में अध्ययन के विकास में जोड़कर प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी क्या कर सकते हैं कि फील्ड वर्क अध्ययन में क्या कर सकते हैं, इसका हम यूज कर सकते हैं। पहला क्या, प्रारंभिक दौर क्या है, देखो अनुसंधान के प्रारंभिक चरणों के दौरान, यानी जब आप कोई रिसर्च करें, कोई अनुसंधान करें, इसके जो प्रारंभिक चरण होंगे, फोटोग्राफी बहुत उपयोगी हो सकती है। यानी अगर आप कोई रिसर्च करने जा रहे हैं तो शुरुआती दौर में फोटोग्राफी के आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें बड़े क्षेत्रों को प्रमाणिक रूप से तेजी और विस्तार पूर्वक रिकॉर्ड करने की क्षमता होगी। यानी कैमरे से क्या कर सकते हैं हम, कोई भी बहुत बड़ा क्षेत्र है तो उसको हम जल्दी से क्या कर सकते हैं भैया, फोटो के माध्यम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस प्रकार फोटोग्राफी भविष्य में उपयोग के लिए जटिल विवरणों को संग्रहित करने में साधन, यानी कहता कि जो फोटोग्राफी होती है भविष्य में जो जटिल जटिल चीज़ें हैं या जो बहुत बड़ा क्षेत्र है और बड़ी चीज़ों को समझने के लिए जब फोटोग्राफी है, किसी विवरण को या कह सकते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए क्या आती है, इकट्ठा करने में एक साधन बना हुआ है। दूसरे शब्दों में फोटोग्राफी अनुसंधान की प्रवेश प्रक्रिया को तेज कर सके, यानी जो फोटोग्राफी उससे जो हमारा रिसर्च हो जाए, शोध होता है वह जल्दी हो गया, उसमें तेजी लाने के लिए काम कर सकती है। कैमरे की आंतरिक मेमोरी के साथ, यानी जो कैमरा होता है उसकी जो मेमोरी है या जो डाटा है को तेजी से एकत्र करने में संभव हो जाता है। अपरिचित वातावरण में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, यानी देखोगे कई बार जब हम फील्ड में जाते हैं तो कई प्रकार क्या होती है, अपरिचित वातावरण में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक जटिल वातावरण में नोट्स लिखना मुश्किल हो सकता है, यानी जहां पर आपको बहुत ठंडी लग रही, गर्मी लग रही है, अगर आप उतर के गए तो वहां पर नोट्स लिखना क्या हो सकता है, बहुत मुश्किल हो सकता है। और क्षेत्र के लंबे दौरे पर अधिक समय लगने से प्रतिक्रिया एक्सरे के कारण समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में ठीक से लिखना, या कह सकते हैं कि अगर आप नोट्स लिखना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो आपके लिए थोड़ा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो सकता है। ठीक है, नोट्स लिखना मुश्किल हो सकता है। क्षेत्र में लंबे दौरे में अधिक समय लगने से प्रतिक्रियाएं एक रास्ता किस कारण समाप्त हो जाती हैं। इन स्थितियों में फोटोग्राफी सहायक सिद्ध हो सकती है।
इनमें सबसे पहले प्रभाव अंकनों एक जिम्मेदार का प्रयोग के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। बाद में इन अभिलेखों का किसी भी मूल निवासी सहयोगी से डिस्कोड और विश्लेषण किया जा सकता है। जैसे शोध आगे बढ़ता है, अनुसंधानकर्ता द्वारा इन अभिलेखों को विशिष्ट रूप से पढ़ा जा सकता है। इस तरह के फोटोग्राफिक अवलोकन से महत्वपूर्ण और विस्तृत जानकारियां मिल सकती हैं, तथा पारंपरिक माध्यमों से कार्य क्षेत्र यानी फील्ड वर्कर करने में महीने लग सकते हैं। यानी कहते हैं जो फोटोग्राफी होती है, अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं या शोध कर रहे हैं, उसमें हमारा बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। दूसरा दौर क्या, दूसरे चरण के दौरान फील्ड वर्कर अनुसंधान के निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार विशेष साक्ष्य की तलाश में अपना ध्यान केंद्रित करता है। यानी क्या, तो इसमें क्या क्या, जो फील्ड वर्कर होगा वह जो अपना रिसर्च कर रहा है, अब निर्धारित जो लक्ष्य हैं लक्ष्यों के अनुसार विशेष लक्ष्यों की तलाश में अपना ध्यान करेगा। इस समय वह नोट्स और फोटोग्राफी के माध्यम से की गई आरंभिक नृविज्ञानियों के एक व्यवहारिक संपत्ति को साबित हो सकती है और आगे के लिए शोध के लिए मार्गदर्शन और सेटिंग भी प्रदान कर सकती है। परिणाम स्वरूप अनुसंधान विधियां विशिष्ट और संचारित हैं। अंतिम दौर में क्या होता है, देखो अंतिम दौर में शोधकर्ता निष्कर्ष रूप में विकसित होते हैं। इस चरण में सभी अन्य आंकड़ों डाटा की तरह फोटोग्राफिक साक्ष्य को सार गर्भिता किया जाता है। अनुसंधान प्रक्रिया को एक वास्तविक हिस्सा बनाने के लिए उसका संख्यिकी में अनुवाद कर सकते हैं, यानी उसको डाटा में, फोटो के लिए हम कह सकते हैं डाटा के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं। इन सारी प्रक्रिया में फील्ड वर्कर के क्या यूज होगा। अगला यहाँ पर जैसे दिया गया है कि देखो क्या बताया गया है, एक शोध उपकरण के रूप में फोटोग्राफी का उपयोग के लाभ बताओ। यानी जब कोई कहीं पर हम रिसर्च करते हैं या शोध करते हैं या रिसर्च की जाती है, तो उसमें फोटोग्राफी का जब हम उपयोग करते हैं उसके लाभ क्या है, क्या क्या लाभ मिलता है। ठीक है, कैमरे को अनुसंधान की प्रक्रिया में के विभिन्न चरणों में कुशलतापूर्वक, यानी जो कैमरा होता है, जो फोटो है, जो कैमरे हैं, उसका अनुसंधान यानी जो रिसर्च होती है उसमें क्या, उसकी विभिन्न चरण प्रक्रिया में कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। आइए अब हम विस्तार से इसे समझने की कोशिश करते हैं, कैसे फोटोग्राफी यानी चित्र को सामाजिक विज्ञान के अनुसंधान में, यानी भैया कैसे फोटोग्राफी को सामाजिक विज्ञान के अनुसंधान में अध्ययन में बेहतर बना सकते हैं, यानी फोटो का यूज कैसे करते हैं। अब तक यह भली भांति आपको पता चले, अवगत हो चुके होंगे कि गुणात्मक शोधकर्ता सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक अंतर संबंधों, छवियों के कैप्चर करने के लिए कैमरे का उपयोग पसंद करते हैं। यानी जो शोध करने वाले कौन है, गुणात्मक जो शोधकर्ता होते हैं, वो क्या होता है कि अगर उनको किसी भी चीज़ को बताना है या समझाना है, चाहे सामाजिक क्रिया हो, चाहे सामाजिक अंतर क्रिया हो, या छवियों को उपयोग ज़्यादा करना पसंद करते हैं। इन जिन सामाजिक संबंधों पर चर्चा की जाती है इनमें से अधिकांश आमतौर पर मौखिक संचार होते हैं। ये मानते हैं कि बातचीत में प्रतिभागियों की सामाजिक स्थिति स्वयं समझी जा सकती है जो प्रतिभागी हैं, लेकिन इन सामाजिक अंतर क्रियाओं के दौरान कई ऐसे पहलू होते हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, इनके बारे में शोधकर्ता को जानकारी नहीं होती है। कई बार गैर मौखिक संचार की एक प्रक्रिया के दौरान चलता है को समझने के लिए दृश्य कल्पना यानी बहुत आवश्यक है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि कोलियर और कैलियर ने नोट किया है कि कपड़ों की तस्वीर जातीय जो समूह है और सामाजिक संगठनों की तुलना के लिए साक्ष्य बनती हैं। ठीक, कभी कभी कैमरे की विशेष समुदाय की सामाजिक जीवन में प्रवेश करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन जाते हैं। जैसा कि शोर्ट्स ने अपने स्वयं के नृवंश विज्ञान अध्ययन में बताते हैं कि निवासियों के क्षेत्र में तस्वीरें लेने के लिए जागरूक करने में उन्हें उत्सुक बनाता है और शोधकर्ता के कार्यों के बारे में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है। यह निवासियों के साथ बातचीत करने के लिए यह एक अच्छे उपाय के रूप में कर सकते हैं। जो अनुसंधान के लिए जो डाटा या आंकड़े दें, यह प्रक्रिया उन्हें शोधकर्ता के साथ सहज बना सकती है और उन्हें सामुदायिक पारिवारिक गतिविधियों को समझने के लिए भी शोधकर्ता की मदद कर सकती है। तस्वीरों के साथ जो साक्षात्कर्ता यानी फोटो इंटेलिजेंस नेशन जो है पारंपरिक मौखिक साक्षात्कार से अलग होता है। साक्षात्कार के दौरान तस्वीरों का उपयोग प्रतिभागियों को साक्षात्कर्ता के करीब लाता है, क्योंकि तस्वीरों को देखने की प्रक्रिया एक अंतर क्रियात्मक क्रिया बनती है। जैसे देखोगे विश्वास और पारस्परिक और आधुनिकता की प्रतिबंधित करती है, वातावरण बना करके एक छेद कहते हैं। तस्वीरों का उपयोग करने की व्यवहारिकता उनके प्रदान की जाती है। देखो कह रहे हैं कि जो तस्वीरें हैं, तस्वीरों को अगर हम प्रयोग करते हैं, अगर फोटो का प्रयोग करते हैं, तो उससे हम किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से या हम अच्छी तरीके से उनको देखा जा सकता है। यह छवि दर्शक और फोटोग्राफर की बातचीत के माध्यम से अर्थों का निर्माण की ओर ले जाता है, जो समाजशास्त्र में रचनात्मक समझ के साथ सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से क्या होता है, हमें एक दिखाई देता है।
अगला जो रहेगा फोटोग्राफी की चुनौती और सीमाएं, जो फोटोग्राफी है उनमें किस प्रकार की चुनौती है, किस प्रकार की सीमाएं हैं। कोई व्यक्ति शोध प्रक्रिया में कैमरे का उपयोग की सीमाओं से परिचित हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति शोध करता है, अगर वह कैमरे का यूज करता है तो उसकी सीमाओं से परिचित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसा कि पहले ही बताया जा देखा है कि फोटोग्राफी पूर्वग्रह और व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य से मुक्त नहीं है। एक सामान्य दावा है कि फोटो विकास प्रक्रिया के तंत्र के कारण तस्वीरें वास्तविक को प्रतिबंधित करती हैं। हालांकि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनगिनत प्रगति हुई है, तस्वीरों को बदला जा सकता है। यानी कह सकते हैं कि फोटोग्राफी का यूज करें भैया, तस्वीरों को बदला जा सकता है, उसके एंगल नहीं कह सकते हैं कि जो आज जब से फोटोग्राफी तो आप कर सकते हैं, लेकिन फोटो को अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप शोध में यूज करते हैं, तो फोटो का यूज करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब क्या होगा भैया, इतनी ज़्यादा टेक्निक कि तस्वीर को बदला जा सकता। उदाहरण के लिए ग्राफिक संपादन सॉफ्टवेयर के उपयोग से इस पर काबू पाने के लिए बेकार तस्वीरों के विवरण के लिए मानव शास्त्रीय के ग्रंथों में शामिल करने का सुझाव देते हैं। जैसा कि व्यक्तियों को पोज किया जा सकता है, कलाकृतियों को व्यवस्थित किया जा सकता है। दूसरे, एक फोटोग्राफर के रूप में एक शोधकर्ता की उपस्थिति शोध प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ ही नैतिक और गोपनीय के विचारों को भी ध्यान में रखना चाहिए। यानी जब आप कहीं फोटो लें या फोटो का प्रयोग रिसर्च कर रहे हैं तो लोगों की गोपनीयता या लोगों की जो क्या बोलते हैं कि उनकी जो प्राइवेसी है उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ ही नैतिक और गोपनीय विचारों को भी ध्यान रखना चाहिए। सहभागी अवलोकन के समान फोटो लेने वाले गतिविधियों में शोधकर्ता की भूमिका को सूचित सहमति के साथ ही स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। यानी कह सकते हैं कि इसमें इस चैप्टर में आपको ये बताया जा रहा है भैया कि अगर आप फोटो के माध्यम से क्या कर रहे हैं, अगर आप फोटो के माध्यम से अगर आप कोई रिसर्च करते रहे हैं या अगर आप कोई शोध कर रहे हैं, कोई भी रिसर्च करते शोध करते हो, तो आपको कई सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फोटो को अगर आप यूज करते हैं तो संभल कर यूज कीजिए कि फोटो को बदला जा सकता है, तस्वीरों को बदला जा सकता है। कई बार ये पता है अगर कोई व्यक्ति अगर फोटो को लेता है तो क्या पता वो अपने मनपसंद जगह से या मनपसंद एंगल से तस्वीर ले रहा, क्या पता अगर वह दूसरे एंगल से तस्वीरें लें तो क्या पता सच्चाई सामने आ सकती है। कई बार क्या होता है जो शोध करता होता अपने मन के अकॉर्डिंग अपनी पसंद की तस्वीरों को यूज करता है। नहीं कह सकते हैं कि जब तस्वीरों में जब हम फोटो के माध्यम से या दृश्य के माध्यम से अगर मान लीजिए अगर हम शोध करते हैं या रिसर्च करते हैं तो हमें फोटो का प्रयोग करते समय क्या करना, सजग होना चाहिए और जागरूक होना चाहिए। ठीक है, देखो क्या होता है कई बार जो घट चीज़ें होती हैं हमारी आंखें नहीं देख पाती, लेकिन जो फोटो होते हैं, जो कैमरे होते हैं, कह सकते हैं जो कैमरा है उसे कोई भी चीज़ बचती नहीं है, उससे कोई छुपी नहीं है। तो उससे अगर कोई चीज़ छुपी नहीं तो आज भी देखोगे कैमरे में बहुत सारा क्या आ गया भैया कि बहुत सारा चीज़ें आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई। तो कैमरे में जो भी टेक्नोलॉजी का अगर हम यूज कर रहे हैं तो सही से करें, गलत प्रक्रिया नहीं, या किसी चीज़ को गलत एंगल से ना दिखाएं। अगर आप फोटो के माध्यम से अगर किसी समाज के बारे में किसी को बता रहे हो तो वहाँ के लोगों की जो प्राइवेसी है, जैसे मान लो आप कहीं पर गए हो, ठीक है, आप वहाँ पर फोटो खींच रहे हो, तो फोटो अगर खींच रहे हो तो वहाँ उन लोगों की प्राइवेसी का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिन फोटो को दिखाया जा सकता है, जिन फोटो को बताया जा सकता है, वही फोटो को आप लोगों को दिखाओ या लोगों को बताओ। यानी जो आप रिसर्च के तौर पर भी आप कोई भी फोटो खींच सकते हो, क्लिक कर सकते हो, लेकिन आप अपने रिसर्च में उन्हीं फोटो का यूज करें जिसको लोगों ने परमिशन दे रखी है, या लोगों की ऐसी कोई ऐसी तस्वीरें ना क्लिक करें। भाई मेरा कहने का मतलब है कि जब हम फोटो का प्रयोग करके रिसर्च करते हैं तो उसमें फोटो लेते समय या अगर लोगों की फोटो ले रहे हैं या उनके आसपास के पर्यावरण की फोटो ले रहे हैं तो उनसे अनुमति भी लेनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। लोगों की सहमति भी जो शोध करता है उसको भी या जो कैमरा मैन है उसको लेनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी उन लोगों की प्राइवेसी का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तथा फोटो को बदला जा सकता है, यानी फोटो में किसी प्रकार के चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज किया जा सकता है या उसका साइड चेंज किया जा सकता है, इसको भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी आप जब फोटो का यूज करें तो आपको कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आप सभी सीमाओं को और मूल्यों के साथ लेकर चलेंगे तो आप फोटो के माध्यम से क्या फोटो के माध्यम से आप समाज को समझ सकते हैं और किसी भी परिस्थितियों को समझने में क्या होगा आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो चैप्टर नंबर 5 तो इसमें तो बहुत ज़्यादा था नहीं, वैसे अगर मैं बताऊँ तो इसमें जो इंपॉर्टेंट रहेगा उनको मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जैसे इंपॉर्टेंट है क्या क्या है, मैं बता भी देता हूँ इसमें क्या क्या रहेगा। ठीक है, इसमें देखो क्या है, फोटोग्राफी आधुनिकता मैंने आपको बताया क्या होता है, अंडरिमस विज्ञान और अध्ययन फोटोग्राफी क्या है, कैमरा छील और फेक क्या होता है। अगला इसमें कह सकते हो एक शोध उपकरण के रूप में फोटोग्राफी का उपयोग, वैसे इंपॉर्टेंट फोटोग्राफिक चुनौती सीमा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक ही दो पॉइंट है, इतना तो आएगा नहीं। इसमें फोटोग्राफी आधुनिकता कैमरा अनुसंधान में ये नहीं है, इसको नहीं कह सकते हो। ये निर्विंस विज्ञान और फोटोग्राफी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है ये वाला एंगल,
5.4 एक शोध उपकरण के रूप में फोटोग्राफी के उपयोग करने के लाभ क्या हैं? क्या है? जब हम कोई रिसर्च करते हैं, जब शोध करते हैं, तो हम फोटोग्राफी का जो उपयोग करते हैं, इससे लाभ क्या होता है? बहुत सारे लाभ होते हैं जिनकी हमने अभी चर्चा की थी। तो जो जो ये चैप्टर नंबर 5 में था, तो लगभग तो मैंने आपको बता दिया। यह वीडियो आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।